नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में। 19 सितंबर 2023 हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज का ताज़ा अपडेट सुरेश भाई से, क्या बाजार रहा, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट श्री चार भुजा आलू भंडार से। कैसे हो सर? अच्छे हैं वो जी। तो सर आज प्याज में क्या बाजार खुला है सर? आज प्याज में क्या है, तेजी है, मंदी नहीं है यार। तेजी देखने को मिल रही है सर? बिल्कुल आज क्या है, माल कम आया है। अच्छा, माल कम है सर, उसकी वजह से तेजी का माहौल बन रहा है। तेजी का माहौल है। तो सर माल कम होने का कारण क्या है सर? माल कम होने का कारण यह है कि बारिश हो रही है पीछे। अच्छा जी, अच्छा जी। और कुछ जो महाराष्ट्र में बता रहे थे कि 20 तारीख से मंडियां जैसे और भी बंद हो जाएंगी। मंडियां तो खैर बंद हो भी रही हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश का इफेक्ट है सर। अच्छा जी, बारिश की वजह से माल पहुँच नहीं रहा है सर। जी बोल, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें, ये वाला प्याज है, ये वाला माल 20 रुपये भेजा। 20 रुपये तो यार बड़ी बिग बात है। ये कहाँ का माल है सर? ये वाला एमपी है वो जी। एमपी का सर। हाँ जी। आज थोड़ा हल्की क्वालिटी का माल है सर आपको? हल्की है, वैसे बढ़िया बिक गया है इसमें। अच्छा जी। और ये सामने वाला सर? ये सामने वाला 20 रुपये वो जी। 20 रुपये हाँ जी। तो ऊपर में क्या बाजार बिका आज? ऊपर में 25 रुपये वो जी। 25 रुपये नासिक वाला बता रहे हैं, वो भी बिक गया है। नासिक वाला बिका है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आगे क्या माहौल बन सकता है सर? आगे वो जी बाजार यही चलेगी, बाजार यही रहने वाले हैं, यही रहने वाले हैं। क्योंकि जिस ये तेजी 2-2.5 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, हाँ जी, तो इससे लगता है कि सर हो सकता है मार्केट अगर पीछे बंद रहेंगे तो और भी ज्यादा उछाल आ सकता है। ज्यादा कोई खास उछाल नहीं आएगा वो, ज्यादा खास नहीं आएगा। पुराने प्याज में यही माहौल बनने वाला है, यही बिकेंगे 25-26 रुपये बस पुराने प्याज में। और नए प्याज की बात करें तो आज कुछ नए प्याज तो पीछे की साइड में आई होगी गाड़ी, वैसे अपनी लाइन में तो आई नहीं कोई गाड़ी। कल भी आई थी उनके पास एक बड़ी गाड़ी, हाँ जी, सतारा से। हाँ जी। तो वो बिका था लगभग 25 रुपये से 27-28 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो नए प्याज में थोड़ा करंट है? नया तो बिकेगा, नए का माल कम आ रहा है ना इस वजह से। अच्छा जी। तो जैसे अपने अलवर वालों की बात करें या कोटा झालावाड़ के, जो नया प्याज आएगा क्या उम्मीद है? नया प्याज बिकेगा 15-20 रुपये 15-20 रुपये बिकेगा। इससे नीचे तो बिकेगा? इससे नीचे नहीं बिकेगा, बाकी ऊपर भी जा सकता है उम्मीद पूरी है अब की बात। उम्मीद वो तो टाइम के ऊपर है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त बताएगा जैसा जी वो जी। कैसी कंडीशन में प्याज निकलती हैं? बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये वो जो पुराना वाला प्याज है ये कब तक चलेगा? क्योंकि पुराने वाला तो अभी चलेगा, दीपावली तक चलेगा। दीपावली तक खत्म हो जाएगा सर? एमपी वाले तो वो कह रहे हैं कि हमारी मंडियाँ बंद हैं और अगर जैसे ही मंडियाँ खुलेंगी तो इतनी आवक आएंगी कि प्याज संभालने को नहीं संभलेगा। बात तो सही है, एमपी वाला तो स्टॉक काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल। और एमपी की लगभग मंडियाँ बंद है, कल मैसेज आए थे 2-3 मंडियाँ तो उन्होंने बताई थी जो मेन मंडियाँ हैं। तो पर एमपी का जो प्याज है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है थोड़ा सा। एमपी में क्या है, कुछ लाट ही आते हैं अच्छी क्वालिटी के, बाकी हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल हल्के क्वालिटी के ज़्यादा आ रहे हैं, अभी ये देख सकते हैं ये एमपी के प्याज बता रहे हैं तो हल्की क्वालिटी है थोड़ा सा। अच्छी क्वालिटी का तो बाजार आज भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का अच्छा ही बिकता है। हाँ जी सर, साढ़े बाईस बिका है माल, बढ़िया था जब बिका है 22.5। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। 99281-281-31। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके।